ये है ओरियो, मतलब थिंग इज दैट कि ये है एक नॉर्मल ओरियो। ओरियो बना था 1911 में, दैट मींस कि ये 100 साल से भी पुराना है। इसका मतलब ये है कि अभी तक बहुत तरीके के ओरियोज बने होंगे, एंड टोटल ऑफ ओरियोज के टोटल फ्लेवर्स है 198। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ये सारे के सारे फ्लेवर्स नहीं आते हैं। इंडिया में बहुत कम ओरियो के फ्लेवर्स मिलते हैं। कुछ टाइम पहले जब मैं वियतनाम गया था तो वहां पर मैंने ब्लैक पिंक का वर्जन देखा था ऑफ ओरियो, एंड उससे मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं बाहर से ऑर्डर करूं बहुत रेयर ओरियो फ्लेवर्स, एंड देन मैं उनको ट्राई करूं। तो सबसे पहले तो मैं अपने लोकल मार्ट्स में गया था, मैंने 2-3 मार्ट्स चेक किए। कुछ मार्ट्स के अंदर तो सिर्फ एक ओरियो मेरे को मिला था। ओरियो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि लोग ओरियो ही उठा के चले जाते हैं। एंड जितने भी मैंने मार्ट चेक किए वहां पर मेरे को कुछ ज्यादा स्पेशल वर्जन ऑफ ओरियोस नहीं दिख रहे थे। सो देन मैंने एक वेबसाइट से अलग अलग फ्लेवर्स ऑफ ओरियो मंगाए, एंड आफ्टर 1 महीने के बाद ये सारे ओरियोस मेरे पास आ गए। तो बॉयज आज के इस वीडियो में मैं ये सारे ओरियोस के फ्लेवर्स को ट्राई करने वाला हूँ, एंड उसके साथ ही साथ हम इसको एक टियर लिस्ट में जो है रैंक करेंगे कि आखिर मेरे को कौन सा ओरियो सबसे अच्छा लगा, क्या ओरियो का ओरिजिनल फ्लेवर ये जो बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स है इनसे बेटर है कि नहीं, और क्या हम एक्चुअली में इंडिया में ये बहुत डिफरेंट तरीके के ओरियो फ्लेवर्स को एक्चुअली में मिस आउट कर रहे हैं कि नहीं। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे बेसिक वन से, जो कि है दिस वन। मेरे को ना अपना कैमरा वो करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मैं ये क्या कर क्या रहा हूँ भाई मैं। ओ माय गॉड, प्रोफेशनल क्रिएटर्स गाइस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट एंड द ओरिजिनल ओरियो। ये वाला ओरियो ना तुम्हें हर जगह पे मिलेगा, तुम कोई से भी नॉर्मल स्टोर पे जाओगे तो ये होता है ओरिजिनल ओरियो फ्लेवर, एंड ये इंडियन वाला वर्जन है। ओरिजिनल ओरियो के ना मेरे पास 2 फ्लेवर्स है, एक ये फ्लेवर है जो कि आई थिंक वियतनाम वगैरह से या थाईलैंड वगैरह से आया है, एंड द सेकेंड वन इज दिस इंडियन वन। तो हम ये दोनों ट्राई करेंगे, एंड लेट्स सी कि इनमें कोई अंतर है कि नहीं है। एंड मैंने बहुत टाइम से ओरिजिनल ओरियो भी नहीं खाया, तो इसको मैं देखता हूँ कि इसको मैं कौन सी पोजीशन पे रखूंगा। ओके, तो ये है ओरिजिनल ओरियो। भाई मेरे को टूटा हुआ पीस मिला है, ये पीस भी अंदर से टूटा हुआ है जैसे मेरा दिल है। ओके, चलो इसको ट्राई करते हैं। ओरियो एक ऐसा बिस्किट है कि मेरे मुंह में ये जैसे गया वैसे मेरे को पता चल गया कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। ओ माय गॉड, बहुत मीठा है। देखो, फॉर मी जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर है, विदाउट एनी डाउट मेरे हिसाब से ये सीधा स्ट्रेट अप जाएगा गोट, क्योंकि विदाउट द ओरिजिनल फ्लेवर ओरियो कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से इसका ओरिजिनल फ्लेवर ही सब कुछ है, उसके बाद तो भाई इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो इफ मैं ओरिजिनल फ्लेवर को गोटेड में नहीं डालता हूँ, इसका मतलब ओरियो ही गोटेड नहीं है। एंड फॉर मी ओरियो का ओरिजिनल फ्लेवर इज इससे बेस्ट ह्यूमन काइंड में कुछ नहीं बना है। ह्यूमंस ने जो आज तक लाइफ में जो सबसे बेस्ट इन्वेंशन किए है ना, उनमें से पार्ले जी एंड ओरियो 100% है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ओरियो, बट ये आई थिंक दूसरे कंट्री का है। आई डोंट नो, यहाँ पे कोई तो लैंग्वेज लिखी है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही, बट मेरे को ये देखना है कि आखिर इसमें और जो इंडियन वर्जन का ओरियो आता है उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है कि नहीं। ये वाला मेरे को सजा निकला है भाई, 2 काले अंदर सफेद। ओके, हम इसको टेस्ट करते हैं, एंड लेट्स सी कि इसका सेम वैसा ही फ्लेवर है जैसा हमारा इंडियन वाले का था कि नहीं। There is no freaking way कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ओरिजिनल ओरियो है लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है देन द इंडियन वर्जन। हाउ इज दैट पॉसिबल ब्रो? इट्स नॉट बैड, ये मेरे को काफी अच्छा लगा, बट इसका जो फ्लेवर है वो जो इंडियन वर्जन ऑफ ओरिजिनल ओरियो है ना उससे डिफरेंट है। इसमें ना थोड़ा सा डार्क चॉकलेट ज्यादा आता है और ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम मीठा है और ये कुछ ज्यादा ही चॉकलेट चॉकलेट फील देता है। या मे भी ऐसा हो सकता है कि ये इम्पोर्ट होके आया है तो थोड़ा सा सूख गया हो। सो ये अभी जो मैंने ट्राई किया ये था दूसरा ओरियो, ठीक है। एंड इसका टेस्ट मेरे को अच्छा लगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट था देन द ओरिजिनल ओरियो, बट मेरे को स्टिल ये वाला ओरियो ज्यादा पसंद है जो हमारे इंडियन ओरिजिनल वन है ना वो वाला। बट ये खराब नहीं है तो मैं इसको डालने वाला हूँ गुड़ के अंदर। अगर तुम में से किसी ने खाया है तो तुम बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा। ओके, नाउ इट्स टाइम कि हम बढ़े एक्चुअल डिफरेंट फ्लेवर्स के ऊपर। सो सबसे पहला जो फ्लेवर मैं ट्राई करने वाला हूँ वो है ओरियो रीमिक्स।
लुक एट दिस बिस्किट ब्रो, एक तो ये इतना ढीला क्यों है भाई? एग्जैक्टली ऐसा ही मैं हो जाता हूँ आफ्टर 3 राउंड्स। ओह हेलो व्हाट, नो 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 नो। सो ये वाला ओरियो का फ्लेवर मेरे को काफी अच्छा दिख रहा था, तो मेरा मन इस पे हट नहीं रहा था। लाइक ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और ऊपर से ये दूर दूर से काफी डिफरेंट दिख रहा था, तो मैं इसको ट्राई करूंगा। इसमें मेरी नजर बहुत टाइम से थी कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा, तो इसको टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं। ओह बॉयज, इसमें दो ओरियोज हैं ऊपर एंड अंदर, ये देखो येलो एंड व्हाइट है कुछ तो, ठीक है। ओरियो पे गंदी नजर अजीत की। ओके लेट्स टेस्ट, देखते हैं इसको कैसा है। ओ माय गॉड ब्रो, ओ माय गॉड, इट्स सो गुड भाई, व्हाट द, देयर इज नो फ्रिकिंग वे कि ये ओरिजिनल ओरियो से बेटर है। नो दिस इज सो फ्रिकिंग गुड, इट्स अ बिग डब्ल्यू मेरे हिसाब से। आई मीन मैंने एक गलती से झूठ बोल दिया था, ह्यूमन मैनकाइंड में जो भी सबसे बेस्ट इन्वेंशन हुए हैं उसमें से ओरियो ओरिजिनल एंड पार्ले जी के बाद ओरियो रिमिक्स भी आता है। इट्स सो फ्रिकिंग गुड ब्रो, इट्स सो फ्रिकिंग गुड। मैं इसको स्ट्रेट अप डालने वाला हूँ गोट में, एंड इट इज बेटर देन द ओरिजिनल ओरियो फॉर मी। बहुत अच्छा था, मुझे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर मेरे को मौका मिले ना तो मैं इसका पूरा पैकेट खा जाऊं, बट आज मेरे को बहुत सारे बिस्किट खाने हैं। ओके सो इसके बाद जो हम नेक्स्ट बिस्किट ट्राई करने वाले हैं वो है ओरियो का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सो ये है स्ट्रॉबेरी चीज केक, एंड ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है, एंड ये ना बहुत महंगा है। एंड रिमेम्बर कि सिर्फ ये बिस्किट मेरे को ना 550 या 850 रुपए का आया था। आई जस्ट होप कि ये थोड़ा सा अच्छा हो। ओके तो ये वाले ओरियो के अंदर ना अंदर स्ट्रॉबेरी है कुछ तो, ठीक है, तो वाइट की जगह पिंक है। ओके इसको टेस्ट करते हैं, लेट्स सी मैं इसको कहां पे रखूंगा। ओके ये मुझे ना किसी की तो याद दिला रहा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा आखिर ये मेरे को किसकी याद दिला रहा है। इसी तरीके का ना इंडिया में कोई तो वर्जन आता है बिस्कुट का। आई मीन इट इज गुड, नो फ्रिकिंग वे कि ये खराब है, बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें ना स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर थोड़ा सा कम है। मैंने रीमिक्स खा लिया ना, ये रीमिक्स मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था। स्ट्रॉबेरी का ये चीज केक बन इज गुड, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको बेस्ट में डालूंगा। सो हमारा डिसीजन फॉर द स्ट्रॉबेरी चीज केक, मैं इसको डालने वाला हूँ गुड के अंदर, बट इट इज बेटर देन दिस वन। लाइक जो ओरिजिनल ओरियो हमने खाया था ना उससे थोड़ा सा बेटर है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा आगे रख रहा हूँ, बट मेरे लिए अभी तक का बेस्ट था ओरियो रीमिक्स। ओके बॉयज नेक्स्ट हमारे पास है ओरियो का सॉफ्ट केक, एंड मुझे नहीं पता था कि ओरियो के सॉफ्ट केक्स भी आते हैं। आज दिन तक तुमने अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज देखी है? आई मीन व्हाट इज दिस, और आखिर ये बने क्यों है? ओरियो सिर्फ बिस्किट तक रहना चाहिए था, आखिर ये क्यों बना है? बिस्कुट की जगह ये सॉफ्ट केक क्यों बनाने लगा? तो मैंने जब इसको देखा आई वाज लाइक ओके इट लुक्स एक्साइटिंग, इसमें पता नहीं कौन से देश की भाषा लिखी है। ओ इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में बनता है सिर्फ, यहाँ पे इंडोनेशिया का वो था लोगो। इसको ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी कि आखिर ये कैसा है। ओ आज के दिन मैं बीमार होने वाला हूँ, मुझे दिख रहा है। अबे यार ये चॉकलेट तो बहुत है इसके अंदर, चेक करते हैं। अंदर इसके वाइट भी है कुछ। इट इज एक्चुअली रियली रियली गुड, बट ये महंगा बहुत है भाई, इंडिया में तो ये 100 रुपए से ऊपर का आएगा। तो आखिर मैं इसको कितना रेट करूंगा? मेरे हिसाब से आई लाइक इट एंड मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैं इसको डालने वाला हूँ गुड के अंदर। इट्स नॉट दैट बैड, मेरे हिसाब से ये अच्छा है। आई मीन गुड नहीं, इट इज गुड, बट मेरे को इतना कुछ ज्यादा खाने का इसका मन नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं इसको ओके में डालूंगा। आई मीन ओरियो को सिर्फ और सिर्फ बिस्कुट बनाने चाहिए, ये भूल जाती है कि ये बिस्कुट वाली कंपनी है। बिस्कुट बताओ, बिस्कुट, बिस्किट भी नहीं, बिस्कुट बनाओ। मुझे सिर्फ बिस्कुट पसंद है ओरियो के। ओरियो की आइसक्रीम इज द यम्मीएस्ट। हाँ, तुमने आइसक्रीम बोल दिया तो गाइस मुझे एक चीज याद आई, व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस, ओरियो चॉकलेट कब से बनाने लगा? वैसे यार ये पिघल गई है, मैंने बहुत देर से बाहर रख रखी थी, ये पूरी की पूरी पिघल गई। ओ हो गाइस हमारी चॉकलेट कुछ ज्यादा ही पिघल गई है भाई, अब हमें इसको पता नहीं कैसे निकाल के खानी पड़ेगी है। सो ये ओरियो की एक चॉकलेट है, एंड आई डोंट नो आखिर ओरियो चॉकलेट्स क्यों बना रहा है, बट ये था ओरियो सैंडविच, ठीक है, लेट्स चेक करते हैं इसको। एंड मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया है। सो होता क्या है, इसमें चॉकलेट है और चॉकलेट के अंदर एक छोटा सा ओरियो है, बिल्कुल छोटा सा। देखते हैं भाई ये कैसा है। hmm.
प्लीज कोई तो इनके ऊपर थोड़ी सजा कर दो, ठीक है, इनको जेल में डलवाओ भाई, प्लीज सिर्फ बिस्कुट बनाओ, ये इतना ज्यादा चॉकलेटी है कि भाई कुछ ज्यादा ही मीठा है ये भाई। ये 300 रुपए की थी, वाह यार, इसमें इसकी कंट्री नहीं लिखी है, आखिर ये मिलता कहाँ पे है, बट इसका लैंग्वेज ये है, ठीक है, तो ये लैंग्वेज देखकर मेरे को बताना आखिर ये तुम्हें कौन सी कंट्री का लगता है। फॉर मी, मैं इसको मेरे हिसाब से रेट करूंगा, ओके भी नहीं, मेरे हिसाब से मैं इसको बैड में डालूंगा, बिकॉज मेरे को इतनी कुछ ज्यादा खास पसंद तो नहीं आई है, बहुत ज्यादा मीठी है और भाई चॉकलेट के अंदर ओरियो डले हैं। आई मीन, तुमने कभी सोचा है कि चॉकलेट के अंदर एक छोटा सा ओरियो होगा? मेरे लिए ओके थी, इतनी कुछ ज्यादा मेरे को खास पसंद नहीं आई, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ही बता रहा हूँ, अभी तक ओरियो रीमिक्स सबसे बेस्ट था। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है ओरियो स्ट्रॉबेरी क्रीम, तो ये ओरियो का एक और स्ट्रॉबेरी वर्जन है, एंड ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, एंड लेट्स सी कि आखिर ये कैसा है। लास्ट वाला स्ट्रॉबेरी चीज केक ट्राई किया था हमने, बट ये स्ट्रॉबेरी क्रीम लिखा है इसमें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है शायद, लेट्स सी कि ये ज्यादा बेटर है या चीज केक वाला। हर बार मेरे को टूटा ओरियो ही मिलता है। ओके, ये अच्छा है। सो स्ट्रॉबेरी चीज केक जो था ना, उससे ये वाला फ्लेवर मेरे को ज्यादा बेटर लगा है, तो मैं जो स्ट्रॉबेरी क्रीम बन है ना, उसको गुड में डालूंगा, बिकॉज इट्स गुड, इतना खराब नहीं है, बट ये उतना अच्छा नहीं है जितना ये ऊपर वाले बिस्किट्स थे, बट ये 100% ये स्ट्रॉबेरी चीज केक से तो बेटर है स्ट्रॉबेरी क्रीम बन। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द वन एंड ओनली ब्लैक पिंक ओरियो। ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है, जब मैंने ये स्ट्रीम स्टार्ट करी, हाफ ऑफ द लोग बस ये बोल रहे थे ब्लैक पिंक ओरियो, ब्लैक पिंक ओरियो। आई डोंट नो ये कैसा होगा, आई जस्ट होप कि ये अच्छा हो, क्योंकि तुम सबने ना बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है, एंड ये मेरे को पता लगा ये इंडिया में भी मिलता है शायद से, तो ये है मेरा फर्स्ट ट्राई इसका। मुझे ये ओरिजिनल ओरियो जैसा ही तो लगा, इसके टेस्ट में कोई अंतर ही नहीं है, ये सेम वही है जो इंडिया का ओरिजिनल ओरियो होता है। दिस एंड दिस, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इनका बस नाम चेंज कर दिया है, सिर्फ ब्लैक पिंक ने कॉलैब कर लिया, तो भाई एक नया ओरियो फ्लेवर बन गया, वाओ। सो इसका फ्लेवर एग्जैक्टली सेम था, तो मैं इसको डालने वाला हूँ गुड में ही, क्योंकि इट्स नॉट बैड, ये एग्जैक्टली सेम वही है जो इंडिया का ओरिजिनल ओरियो फ्लेवर होता है, वो वाला वर्जन है ये। पैसा वसूल भाई, पैसा तो बर्बाद हो गया मेरे हिसाब से, मुझे लगा था कि डिफरेंट होगा, बस ब्लैक पिंक का नाम लगा दिया, एंड एग्जैक्टली सेम चीज है मेरे हिसाब से ये। ओके, सो द नेक्स्ट चीज हमारे पास है वो है ओरियो का रीमिक्स, एंड ये वाला रीमिक्स ना थोड़ा डिफरेंट वर्जन है ओरियो का। सो लास्ट जो मेरे को पसंद आया था वो था कैरेमल एंड वनीला फ्लेवर, एंड ये है रेसबेरी एंड वनीला फ्लेवर, तो कैरेमल एंड रेसबेरी का डिफरेंस है, तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा बेटर है। ओ भाई, ये अच्छा लग रहा है दिखने में, लुक एट दिस, बट मेरे बिस्किट की हालत इतनी खराब क्यों होगी, मैं ये वाला नहीं खा रहा, मैं दूसरा खाऊंगा। अबे इसमें सारे बिस्किट ही बहुत ज्यादा मोटे हैं, लाइक इतने मोटे हैं। अगर ट्राई करके देखते हैं। स्मेल भी अच्छा है गाइस, हमें एक अच्छा कॉम्पिटिशन मिल गया मेरे हिसाब से। सो मेरा सेकंड फेवरेट ओरियो फ्लेवर मेरे हिसाब से है दिस वन, मतलब सेकंड फेवरेट तो नहीं होगा, फर्स्ट मेरा ओरियो रीमिक्स का वो वनीला फ्लेवर है, एंड देन ओरियो ओरिजिनल, एंड देन आएगा दिस वन। इसका टेस्ट भी मेरे को काफी अच्छा लगा, बट कुछ ज्यादा मीठा है, तो बस ये थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने इतना ज्यादा मीठा खा लिया कि अब मेरे को ना खाया नहीं जा रहा। तो इसके बाद हमारे पास है ओरियो का चॉकलेट क्रीम, यानी दिस वाला ओरियो। ये ओरियो भी मेरे हिसाब से इंडोनेशिया से है, क्योंकि ये वाला ओरियो मैंने बाली में देखा था एक स्टोर पे। लेट्स सी ये कैसा है। डायबिटीज कमिंग होम रचित, लग तो रहा है। तो ये आई थिंक नॉर्मल ही लग रहा है मेरे को, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसके अंदर ना व्हाइट की जगह ना चॉकलेट कलर का अंदर लाइक फिलिंग है, तो चॉकलेट क्रीम है इसके अंदर। चॉकलेट क्रीम पसंद नहीं आएगी मेरे हिसाब से किसी को। नॉट बैड, एक्चुअली मैं बैड। So, इस फ्लेवर में क्या है कि इसमें से तुम्हें चॉकलेट एंड बस चॉकलेट इसी का फ्लेवर आता है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। ऊपर की लेयर भी चॉकलेटी है, अंदर भी चॉकलेटी है, और नीचे की लेयर भी चॉकलेटी है। तो फॉर मी, मैं इसको डालने वाला हूँ बेड के अंदर, बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया ये। देन हमारे पास है ओरियो की दिस थिंग, आई मीन व्हाट इज दिस, ओरियो का ये चीज भी आता है, ये तो मुझे आज पता लगा। टट्टी लग जाएगी, इतना मत खाओ, ठीक है भाई। ये दिखने में ना चॉकलेट लग रही है, जैसे वो पक वगैरह आती है ना, वैसी उस टाइप में वो इसके अंदर। ओ
इसके अंदर इतनी छोटी छोटी सी चॉकलेट्स है इस पूरे पैकेट के अंदर, और ये बिल्कुल उस टाइप की है जैसे कि हम 5 रुपए वाली 2 रुपए वाली चॉकलेट लेते थे ना वैसे। देखते हैं कि पर्क बेटर है या ये। I like this. ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। So, मैंने अभी ट्राई किया था ये डच कोका वॉफर कुछ करके कुछ तो था ये। मेरे को ये काफी पसंद आया तो I'll add it in good. And good में सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट, इससे बेटर गुड में कुछ भी नहीं है। इसके बाद इनके पास ना सेम ऐसा एक और है विद अ डिफरेंट फ्लेवर। इस फ्लेवर का नाम है इसमें वनीला क्रीम को एड कर दिया गया है, और अभी जो मेरा फेवरेट बिस्किट है वो वनीला फ्लेवर का ही है। ओके, ये वाली ट्राई करके देखते हैं। I like this. ये भी मेरे को पसंद आया। Actually, मैं ये दोनों ही मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए। So the vanilla one को I'll add it to good, but मेरे को वनीला उतनी पसंद नहीं आई जितना ये मेरे को दूसरा वाला पसंद आया था, तो उसको मैंने आगे रखा है एंड वनीला को यहाँ पे रखा है। बट तब तक मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, बिकॉज कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया भाई मैंने। भाई बचपन में ना मैं रोता था कि मैं ओरियो खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं। आज के दिन ना मेरे पास इतना सारा ओरियोज है, और तब अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। अब हमारे पास दो और फ्लेवर है, एक ये है और मैं इसको खा नहीं सकता बिकॉज ये बहुत ज्यादा चॉकलेटी है। बाकी हमारे पास अब है सबसे स्पेशल ओरियो ऑफ ऑल टाइम, जो कि है ओरियो थिंस। एंड आई डोंट नो आखिर ये चीज क्या है। ये बहुत, ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव लाइक ओरियो में से एक है। ये मेरे को बहुत महंगा पड़ा था मेरे को याद है। एंड ये वनीला डिलाइट फ्लेवर है शायद से कुछ। इसके अंदर ना दो बिस्किट निकलते हैं, एक ये है और ऐसा ही करके ना एक और है ये। एंड बस दो में ये पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। भाई इसकी पैकेजिंग तो बहुत तगड़ी करी गई है, लेकिन तभी फायदा क्या हुआ, ओरियो तो वैसे भी टूट गया। ओके, चखते हैं इसको। दिस वन इज नाइस। इस वाले ओरियो में ना एक छोटा सा डिफरेंस है, ये बहुत पतली है। लुक एट दिस, बहुत ज्यादा पतला है ये वाला ओरियो। आई लाइक दिस। मेरे हिसाब से इसका टेस्ट मेरे को काफी अच्छा लगा। इस वाले ओरियो को आई एड इट टू गोट बिकॉज मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। ये मेरे हिसाब से बहुत महंगा है, बट ये बहुत पतला है तो मेरे हिसाब से इसलिए मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। एंड देन इसमें सब कुछ है, ज्यादा चॉकलेट ही नहीं है, एंड बीच में जो वो वाइड वाइड होता ना उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है, विच आई लाइक इट। एंड देन इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो आई लव इट, मुझे ये फ्लेवर काफी अच्छा लगा। सो या, ये थे ओरियो के वो सारे के सारे फ्लेवर जो कि मैंने मंगा पाए। अभी भी बहुत सारे फ्लेवर्स बाकी हैं ओरियो के। हर एक कंट्री में ना आई थिंक बहुत अलग अलग तरीके के ओरियोज होते हैं, तो ये हमें बहुत कम ही मिल पाए हैं। मेरी कंप्यूटर टेबल की हालत खराब हो गई। लुक एट दिस, लुक लुक, ये मेरे पूरे टेबल पे ना सिर्फ और सिर्फ ओरियोज ही ओरियोज हो रखे हैं, और कुछ भी नहीं है टेबल्स पे। Boys, look at this! तुम्हें ओरियो दिख रहा है? उधर? इधर? मैं ब्लाइंड हूँ। मैं भाई, मैं मेरे पे इंट्रो नहीं हो रहा भाई, मेरे पे इंट्रो नहीं होता।